ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन ले लो थोड़ा सा फिनॉल का, है ना? इंट्रोडक्शन फिनॉल। फिनॉल किसको कहेंगे? बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट हो किसका? OH ग्रुप का, दैट्स कॉल्ड फिनॉल। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? फिनॉल, फिनाइल नहीं, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल कैसे होगा भाई? बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटाओ, OH जोड़ दो, यही होगा ना? क्या यही होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। यस सर, यही होगा। वेरी यस गुड, सर। काफी सही जा रहे हो तुम लोग। और शिवानी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताओ मैं सही हूं। यस सर, आप बिल्कुल सही हो। हाँ, ये क्या यही होगा लॉजिक फेनॉल। था? यस सर। यस, तो देखो फेनॉल बनाने का विधि, ये तुम्हारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है? तुमने इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाया और वहीं पे एक जोड़ दिया OH ग्रुप, और तुम्हारे पास ताजा ताजा बन के तैयार जो चीज है उसे तुम बोल रहे हो फेनॉल, राइट? यस अब तुमने तुमने एक अंतर यहाँ पे देखा कि जो बेंजाइल अल्कोहल था उसमें बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ा था और उस अल्काइल ग्रुप के साथ OH, है ना? और यहाँ पे डायरेक्ट OH जुड़ा है किसके साथ? किसके साथ? बेंजीन के साथ। बेंजीन यस बेंजीन के साथ। यस, सो दैट्स कॉल्ड फिनॉल। ये तो है हमारा बेंजीन, है ना? और ये है हमारा फिनॉल, फिनॉल, ठीक है? चलो थोड़ा सा मोनोहाइड्रिक फिनॉल के बारे में बात कर ले, है ना? क्योंकि हमारे टॉपिक में तो यही है, अब जो टॉपिक में वही तो पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या समझ में आया भाई शिवानी, तुम बताओ। एक ओएच ग्रुप होगा। काफी सही जा रही हो आजकल तुम। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अभी दो ही बच्चे जवाब ही दे रहे हैं, प्रियंका एंड शिवानी। स्मृति विस्मृति नहीं, तो, मैं तो बता ही नहीं हूँ। हाँ नहीं, स्मृति मैं क्या बोला? स्मृति गलत बोला? कॉपी कैट? मैम स्मृति स्मृति तो अब समाप्त हो गई, मैं अब मतलब जवाब भी नहीं देती है, कुछ नहीं, समाप्त। देती तो हूँ जब खात्मा। तो देखो ये फेनॉल है, ठीक है? फेनॉल के साथ अगर तुम एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, CH3, तो उसको बोलेंगे 2-मेथाइल फेनॉल। IUPAC नेम है इसका, मुझे पता है कि तुम्हें पता है ना? इसे बोलेंगे 2-मिथाइल फेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम तुम्हें याद रखना है, इसको कहते हैं क्रिसॉल। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिसॉल। नहीं, क्रिसोल कौन सा क्रिसॉल? ऑर्थो क्रिसॉल। वेरी गुड, देख रही हो कितना तेज हो चुकी है यहाँ पढ़ के 5 मिनट में। ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो। यह है ऑर्थो क्रिसॉल। वेरी वेरी सही, बहुत सही जा रही हो। आओ, इसका नाम मुझे बताएगी शिवानी। पहले तुम आई, मेटा पे लगा। हाँ मेटा पे, चलो मेटा पे लगा लेते हैं। आओ, तुमने बोला और मुझे तो मानना ही पड़ेगा, चलो मेटा पे लगा दिए। चलो इसका नाम बता दो, IUPAC है ना? IUPAC, 3-मिथाइल फेनॉल। वेरी गुड। कॉमन नेम कुछ बताओगी? मेटा क्रिसॉल। वाह वाह वाह, काफी वाओ सही चली गई तुम तो। कैसे मतलब ऑर्गेनिक में लगता है काफी रुझान है तुम्हारा? हाँ, मैंने पढ़ रखा है चैप्टर। ओहो, फिर तो अब इस चैप्टर में सारा अब सवाल तो तुमसे, अब सारे इसी से क्वेश्चन इसी से पूछना है, है, इसी से पूछा ही इसी जाएगा, से पूछना है। गलती अब सारा सवाल इससे कर। पूछा जाएगा, इसका रिवीजन अरे लिया वो जाएगा, जाएगा, और आप लोगों का कि टाइम भी इसने बचेगा। बताया नहीं ऑर्गेनिक के मास्टर है ये। आप पता चला ना, अल्कोहल की मास्टर है ये, है ना? अरे नहीं, अल्कोहल ओ मास्टर। हाँ भाई मास्टर जी, शिवानी बताइए अल्कोहल मास्टर, ये कौन सा बताइए ब्रांड अच्छा है? इसका क्या नाम होगा, इसका क्या होगा? IUPAC 4-मिथाइल फेनॉल, क्या नाम होगा? गलत फोर बता मिथाइल दिए फेनॉल, सर। अब बोल ही नहीं रही है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? पैराक्रिसॉल, वही तो लिखा है आपने। सॉरी कॉमन नेम, है ना? वेरी गुड। चलो अब इसका इसका नाम तो तुम्हें सब लोगों को पता होना चाहिए, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी, IIT के लिए भी, सीबीएसई करना के लिए भी।
ठीक है पीछे करो क्या भाई मतलब कहीं पे लगा दो ना, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे लगा लो ना, दीपशिखा मेटा पे लगा दो एक बार, देखो एक बार ऑर्थो एक बार मेटा एक बार चले। चलो भाई चलो, पब्लिक का आदेश सर आंखों पे है ना, लेना ही पड़ता है। ये क्या है अरे ऑर्थो पैरा मेटा पे लगा दो ना, क्या दिक्कत है तुमको, मुझे तो नहीं है सर, मेरे को समझ आ गया आप क्या बना रहे हो, बस मैं समझ गई क्या ये पिक्रिक एसिड है। काफी सही, काफी सही खेल गई तुम, काफी सही खेली हो NO2, ठीक है। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इसका असली नाम क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 सॉरी इसमें तो डैश होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, वेरी गुड 2,4,6। इसका IUPAC याद रखना बहुत इजी है, ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ठीक है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसका कॉमन नेम तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसको कहते हैं पिकड़ी के सीड, और इससे बम भी बनाया जाता है। अब तो ये निकित का काम है सर, बिल्कुल तुम्हें मैं बता दूं कि NIA ने यू ये वेस्ट बंगाल में उड़ेगी, NIA बोलने तो दो, NIA है ना जो अपना जांच एजेंसी है नेशनल, उसने वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है नेशनल के आगे तो बोलो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आगे तो बताओ, ठीक है। तो ये जो NIA है खुश हो गया, ये जो NIA है इसने मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में कई सारे ऐसे मिलिटेंट्स को पकड़ा, मिलिटेंट कहना गलत होगा, टेररिस्ट ही डायरेक्ट बोलो, जो पिकरिक एसिड का यूज करके बॉम्ब बनाता था, तो वो पिकरिक एसिड देख लो यही है। इनफैक्ट इसका तुम अच्छे से यूज कर सकते हो, लिफाफा विफाफा में जो बम दिया जाता है ना कि लिफाफा खोलो और उड़ जाओ लिफाफा के साथ, अब तो गए वो किया जा सकता है, वो सुविधा भी इसमें मिल जाएगा तुमको, है ना, वो भी इसमें मिल जाएगा, कल ही तेरे घर लेटर आएगा एक, ठीक है बच्चों वापस पोस्ट कर दूंगी जहां से आया था। ओके चलो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है चले। Yes. अब हम लोग पॉलीहाइड्रिक फेनॉल घर भी भेज दूँ एक। ओके ठीक है मैं देख लूंगा पॉलीहाइड्रिक फेनॉल, ठीक है पॉलीहाइड्रिक फेनॉल के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ, बट हमारे सिलेबस में यह नहीं है, बट फिर भी एक दो है तो उसे देखना चाहिए। आओ देखे आओ पॉलीहाइड्रिक फेनॉल के बारे में, तुम लोग देख रहे हो न्यू दो बच्चे आए हैं तुम लोगों से मिलने, देखा वही आपके चट्टे बट्टे अच्छे आपके डी और के चेले चपाटे, ये तो फिर भी ठीक है पर सौरभ तो रिवील मत करना कभी। इसको किसने बता दिया, इसको पता कैसे चला, तुम्हारा बैंड बजेगा रुको अब क्लास के बाद। देखो अब तो पक्का वो इधर देखो बच्चों, अब इसमें देखो दो दो फेनॉल ग्रुप है यहाँ पे, सॉरी दो दो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम जो NCERT कहता है वो कहता है बेंजीन 1,2-diol, क्या कहता है बेंजीन 1,2-diol, देख रहो एक ही आदमी बस बोल रहा है और आज वो आग लगा के रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, बेंजीन 1,2-diol, ठीक है। जो IUPAC इसका दूसरा नाम एक्सेप्ट करता है, ठीक है वो है 1,2-dihydroxybenzene, ठीक है। वैसे दो आते हैं तो उनमें से किसी, अब मैं बता दूं कि तुम्हें अगर नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो तुम्हें NCERT को फॉलो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट अगर तुम हायर क्लासेस में जाते हो जब केमिस्ट्री में BSc करोगे मास्टर्स करोगे या PhD करोगे
तो तुम्हें इसे भूल जाना पड़ेगा और नीचे वाले को पकड़ना पड़ेगा. दैट इज 1.2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. ओके क्यों? ओके आओ, इसका एक कॉमन नेम भी है और उसको कहते हैं कैटिकल. ठीक है, इसको कहते हैं कैटिकल. ओके, अब दूसरा एक और, अगर यही OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे आ जाएगा तो उसका नाम बताएगी हमारे बीच जो ऑर्गेनिक की मास्टर है, अल्कोहल की मास्टर है, शिवानी. आओ शिवानी, थोड़ा रोशनी डालो इस पे, बताओ इसका नाम. सर बेंजीन 1-3-डायोल. बेंजीन 1,3-डायोल, वेरी गुड, काफी सही जा रही हो तुम, बहुत अच्छा. 1,3-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. वाह वाह वाह, आग लगा दिया तुमने, मजा आ गया. लाओ 5 मिनट भेजूं? नहीं नहीं भाई, डाइहाइड्रोक्सी पानी से पूछा लो सर, जल के रखना हो जाओ. अब इसका कॉमन नेम भी बता दो भाई जल्दी से, है ना? है ना? वो नहीं पता इसका कॉमन नेम. बुझ गई, कोई नहीं, बुझ गई, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ. इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनल. रिसोर्सिनल, ठीक है, रिसोर्सिनल इसका नाम है. गॉट इट? बोलो, बताओ. yes, भाई ठीक है. एल एंड ओ एल है लास्ट में, कहा रिसोर्सिनल है, ऑल ही है शायद, ऑल है, एक बार देख लेना, बट रिसोर्सिनल है शायद, देख लेना. ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा इसका कॉमन नेम, गूगल करना पड़ेगा तुम्हें, कर लेना. चलो आगे चले, एक और ले लेते हैं, एक और. क्या कहते हो अनिकेत? इसका कॉमन नेम समिति तुम बताओ, नहीं बताओगी काफी गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुरंत एक मिस कॉल जाएगा तुम्हारे पापा के नंबर पर. ठीक है सर, कॉल बैक नहीं करते पापा. इसका मतलब तुम अब नहीं पढ़ोगी, है ना? पढ़ाई लिखाई से मोह माया खत्म. नहीं, अरे मैं बता, बेंजीन 1,4-डायोल. दूसरा नाम बताओ. 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन. ठीक है, बहुत अच्छा. इसका कॉमन नेम बता दो जल्दी से, है ना? कॉमन नेम मुझे नहीं पता. इसका कॉमन नेम है क्विनोल. क्या नाम है? क्विनोल. ठीक है बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विनोल. मैंने जितना कॉमन नेम लिखवाया याद रखना, अगर और भी इसको इजी बनाना है तो बस वो कॉमन नेम याद रख लेना जो एनसीईआरटी कह रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर. चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा. चलो भाई थोड़ा आगे चले, एक और ले लेते हैं. बहुत ज्यादा जल्दी आप आगे करा रहे हो, देखने तो दो, इतने तो दो. क्या सब सिस्टम है मुझे समझ में ही नहीं आता. शिवानी मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, समझ को छोड़ो, समझ में मजा आया नहीं आया वो सब से छोड़ो, मजा आया कि नहीं? यस सर. देख रहा हूँ, बताना ही कितना डल हो के बोल रही है सर. अरे इतना मजा आ रहा है उसे, अब देखो खिड़की खोल के 2 सेकंड बाद कूद जाएगी. चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना? आगे आ जाओ थोड़ा सा. बायो क्या बोल रही है? बायो का क्या हो गया? बालकनी में मेरी खिड़की नहीं है. क्लास 9 बजे बोला. ओहो, तो अब तो 2-3 सेकंड शायद ज्यादा हो गया. अब क्या होगा? महाभियोग आएगा संसद में मेरे खिलाफ. यस, आपको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. ऐसा थोड़ी होता है. इसका कॉमन, इसका आईयूपीएससी नेम कौन बताएगा? रेवती, रेवती नायर बताओ जरा आईयूपीएससी नेम. दीपिका तुम भी बताओ, बोलो भाई. प्रियंका बताओ, शिवानी बताओ भाई. बेंजीन 1,2-3-ट्रायोल. वेरी गुड, 1,2-3-ट्रायोल, वेरी गुड, काफी सही जा रही हो तुम, लगता है इन दोनों ने मेहनत किया. इसमें क्या मेहनत सर, पिछले चारों से ही कराते आ रहे हो. ओ हाँ, ये भी है. जल रहा है क्या कोई? हाँ कुछ तो ऐसा बदबू सा आ रहा है. हाँ देख, पीछे आला, नीचे आग लगी होगी. या गैस पसंद नहीं बैठी?
ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन कोई नहीं, इसके खिलाफ मैं ड्रास्टिक एक्शन लेने वाला हूं। इसका कॉमन नेम होता है पाइरोगैलल, पता नहीं ऐसा नाम सब क्यों है बट है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये था हमारा फेनॉल का कहानी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, फेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल में यही अंतर है, देख लो। ये डायरेक्ट देखा? बोलो भाई। यस सर, दिखा। एक बच्चा हमसे जिम में आज मिला था और वो तब से मेरा दिमाग चाट गया, फोटो उसका ले लिया। फिर आपका फैन हो गया होगा, क्या बताएं? नहीं, बॉडी तो अभी नहीं बना बट फिर मैं तो बोल भी नहीं रही थी। ये देखो, इन दोनों में अंतर है। ये अल्कोहल है, ये क्या है बच्चों? अल्कोहल है। और ये फेनॉल है। ये क्या फेनॉल? चाहे तुम आर यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता क्या? नहीं भाई, बहुत अंतर है दोनों में। क्या, कहाँ से बात कर रही हो तुम? कभी लोगों को बोली हो कि भैया आज अल्कोहल के बदले आप हमको फेनॉल दे दीजिए, मैं वही पी के रह जाता हूँ? देखियो क्या ट्राई करियो उसका तुरंत ऊपर ऊपर की ओर रास्ता। फेनॉल क्यों? फेनाइल ट्राई कर, प्रियंका फेनाइल ऐसा कर। देखियो क्या प्रियंका? चलो भैया आज अल्कोहल छोड़ो, हम फेनॉल से काम चलाएंगे। बाथरूम में पड़ा हुआ डेटॉल का ट्राई करियो। डेटॉल का नहीं होता वो, बाथरूम में पड़ा होता ना फेनॉल फेनॉल, घर फर्श वर्श साफ, पेट साफ कर जाएगा। ठीक है, मैं धरती से साफ हो जाऊंगी। वैसे इसके प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, मैं बता दूं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। चलो ओके, तो आओ हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ईथर के बारे में। किसके बारे में? ईथर्स। मुझे बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। मुझे ये भी पूछना है तुम लोगों से, कल 2-3 घंटा हो क्या फ्री? कल से मैं 17 तारीख तक सुबह में फ्री ही हूँ, तो 4-4 घंटा दे दो तो मजा आ जाएगा। मेरा टेस्ट है। अभिषेक उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। अभिषेक का तो अस्थमा और मनदीप गांव गया है। क्या वो हॉस्पिटलाइज है क्या? हॉस्पिटलाइज्ड? यस। क्या बारिश का दिन मर गया है? हां, वो हॉस्पिटल में ही था। देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे हम लोग लिखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन, ऐसे ही लिखते हो ना? यस तो, और तुम्हें पता होना चाहिए या नहीं तो अभी जान लो, अल्कोक्सी वाला क्या होना चाहिए, जो कम कार्बन वाला होगा ना उसको तुम ऑक्सी के साथ जोड़ देना, अल्कोक्सी। ठीक है, और अल्केन में लंबा। ठीक है, तो आओ थोड़ा पहले हम सिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बच्चों? सिमेट्रिकल ईथर्स। कौन ऐसे कर रहा? हां, ब्रश एक ही तो है सर, उठ के करो अभी। नहीं, फ्रैंक का है सर। सर एक ही तो है, ये जिम पुई पुई। ये सर यही है, फ्रैंक का। ये इस बार तो फ्रैंक आई थी। इधर देखो, इसका नाम क्या होगा भाई? शिवानी और स्मिति, चलो जल्दी से बता दो नाम इसका, बताओ। और क्या क्या? मिथॉक्सी मिथेन। वाह, काफी सही जा रही हो तुम। कैसे सर, अभी ब्रश कर रहे हैं क्या? मुझे उसकी आवाज नहीं, मैं फ्री कर दूंगा। अबे मैं कुछ नहीं कर रहा। इसको क्या कहते हैं? मिथॉक्सी मिथेन। मैं कुछ नहीं कर रहा, गलती से फ्री में मत करना। ओके ओके, ठीक है। इसका इसको क्या कहते हैं? मिथॉक्सी मिथेन, आईयूपीएसी नाम, देख रहे हो ना खौफ। तो स्मिति तुम इसके बाद नेक्स्ट नाम तुम बताओगी, ठीक है? याद रखना, उस वक्त कोई एक्सक्यूज मत देना। इसका कॉमन नेम होता है डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम होता है? पजामे में रहो सर, पजामे। डाई मिथाइल ईथर, तुम खौफ में रहो, है ना? मेरे को समझ आ गया, ये डाई मिथाइल। अब इधर देखो, इसका इसका कौन बताएगा? रेवती, दीप्सिका, स्मिति, चलो जल्दी से मुझे फ्री करो, बता के। चलो भाई जल्दी बताओ,
नाम बताओ इसका. अभी तो डाइमिथाइल ही होगा. इथॉक्सी इथेन. तुम इसका मतलब ध्यान नहीं दे रही हो, अब पता चल चुका है. स्मृति हाँ मिथॉक्सी इथेन. तुक्के मार रही है. हाँ ठीक है समझ गई. तुमने काफी गलत किया खुद के साथ. कोई नहीं अभी मैं एक्शन लेता हूँ. रुको. नहीं सर एक और पूछ लो. क्या नाम है. ओके ठीक है. हेलो. ओके इसका नाम तुमने क्या बोला. इथॉक्सी इथेन. वो जिम वाला लड़का मैसेज कर करके ब्रेन खा गया मेरा. पता नहीं क्यों भाई ऐसा क्या बोल दिया सर आपने उसे. वो इतना ज्यादा कैसे दीवाना किया जा रहा. मैसेज पर्सनल मैसेज किया जा रहा तब से तरह तर. बता दिया होगा पढ़ाते हो. कोई नहीं मैंने नहीं बताया उसे. इधर देखो उसे लगा कि मोहल्ले में घूमने वाले इधर उधर के भैया. इधर देखो डाई इथाइल इथर. बोलो सही है ना. क्या है डाई इथाइल yes, इथर. अब अनसिमेट्रिकल इथर का मैं बात करूं ठीक है. मैं साइक्लिक का भी बात करूंगा डरो मत ठीक है. और स्मृति सॉरी शिवानी मैं पहले इसे फ्री कर देता हूँ है ना. देखो वो जवाब ही नहीं देगी. भाग गई पूछ लपेट के. ओके सर. हो अनसिमेट्रिकल सब मेरे जितने अच्छे नहीं होते. इसको क्या बोलना चाह रहे हैं हम. अनसिमेट्रिकल ईथर ठीक है. अब देखो अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में कितना मैसेज करेगा ये लड़का. पागल वागल हो गया है क्या. बाप रे. कॉल करके सुना दो सर. कहो तो मैं सुनाऊं स्पीकर पे रख दो. नहीं सुबह वो फोन ही नहीं करेगा बातें नहीं करेगा. रात के 6 बजे भैया व्हाट्सएप पे मैं आपको अपनी फोटो दिखा दे उसे ऐसे चला जाएगा वो. इतना बोलता है इतना कैसे पता नहीं कितना मैसेज है. इधर देखो C2H5 ठीक है C2H5. इसका नाम क्या होगा कौन मुझे बताएगा. रेवती दीप्सिका स्मृति जल्दी से. मैंने क्या बोला था कि जो कम वाला कार्बन होगा उसके साथ ऑक्सी जोड़ना तो क्या होगा. अनिकेत नाम बताओ. भैया इथेन है चश्मा पे जोड़ रहा है. और इसका असली नाम क्या होगा कॉमन में. इथाइल मिथाइल इथर. इथाइल मिथाइल इथर. ये तो सही बात है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो एक ऐसा ही पकड़ लेते हैं छोटा सा है ना अपने ऑर्गेनिक मास्टर के लिए. हाँ भाई मास्टर जी बताइए. बता देगी ये काफी पहुंची हुई नहीं पहुंच के लौटी हुई है. बताओ भाई इसका नाम. मिथॉक्सी. वेरी गुड. देखो ये स्मॉल वाला है ना ये स्मॉल है सारे बच्चे देखेंगे. स्मॉल कार्बन का ग्रुप है. कितना मैसेज कर रहा जा रहा है. ये स्मॉल वाला है और ये बड़ा वाला है तो हम क्या करेंगे स्मॉल को ऑक्सी के साथ जोड़ेंगे तो मिथॉक्सी बेंजीन सिंपल खत्म. सर ये फिनाइल नहीं होता. मिथॉक्सी फिनाइल. एच कहाँ जुड़ा है जरा दिखाओ तो मुझे. चश्मा लगाओ फिर दिखाओ. बोलो कहाँ. सर फिनाइल आपने कहा था बेंजीन होता है. बेंजीन. अच्छा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे तुम बेंजीन यूज करो. बेंजीन IUPAC यूज करता है इसीलिए है ना. अब यूज कर लो कॉमन नेम में मिथाइल फेनाइल ईथर. यूज कर लो. तुम वो बोल रही हो. हाँ कॉमन नेम में यूज कर लो मिथाइल फेनाइल ईथर. कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है. अभी इसको फिनिश कर देते हैं. ईथर अब फिनिश हो जाएगा. इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा ठीक है. तो मिथाइल फेनाइल ईथर ठीक है हो गया. इसका एक और नाम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. इसका नाम है कॉमन नेम एनिसोल. क्या नाम है. एनिसोल ठीक है. कूल ना. कोई दिक्कत है क्या. पर कूल सर. ओके अनिकेत चौड़ में एक मिनट. 9 बजे से बायो की क्लास होने वाली थी ना शायद. 5 मिनट और रुक जाओ भाई. 5 मिनट और.
ये खत्म हो जाएगा, अभी साइक्लिक इधर पढ़ाएंगे, ये खत्म हो अभी जाएगा, 9 बजे नहीं अब है। साइक्लिक वाले को खत्म कर देते हैं और खत्म, साइक्लिक के बाद हमारा ये टॉपिक तुरंत खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा साइक्लिक इधर पढ़ लो, ये लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक है साइक्लिक इधर। पता नहीं मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा क्यों आता है, काफी मजा आता है, लेकिन बेइज्जती ज्यादा हो जाती है ना इसीलिए। ये लड़का आज प्राण त्याग देगा, एक मिनट रुको भाई। अरे सर तो आप जरा बात कर पाओ थोड़ी सी, यहाँ सब चिल्ला देंगे उस पे, वो रो हेलो देगा। हेलो, उससे तरीका बताया था मैंने तुझे तो कम बोला कर, मैं बता रही हूँ पूरी पूरी। आओ बच्चों स्टार्ट करें, साइक्लिक इधर देखो, इधर देखो, सब इसका नाम भी फिर से रिकॉल करेगा कैसे लिखना है। CH2 ऑक्सी ग्रुप जोड़ दो इसके साथ, क्या है ये, इसको क्या कहेंगे, एपॉक्सी इथेन, याद करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने यही नाम बताया था, इसको कहते हैं एपॉक्सी इथेन, ठीक है, और इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सीरेन, ठीक है। क्या नाम कितना होता है, प्यारा नाम है ऑक्सीरेन, तुम अपना नाम यही रख लो, है ना, ऑक्सीरेन। उसके बाद CH3 CH CH2, इसका नेमिंग कैसे होगा ध्यान से देखो। ओ ओ, तुम्हें पता है कि नंबरिंग ऐसे लिखेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, एक बात बताओ ध्यान से इधर, क्या एपॉक्सी 1 और 2 दोनों पे प्रेजेंट है? यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एपॉक्सी सॉरी 1, 2 एपॉक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 1, 2 एपॉक्सी प्रोपेन। साइक्लिक ओ ग्रुप जब साइक्लिक में जुड़ा, ये वाला भैया ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है एक साथ दो दो कार्बन और साइकिल बना रहा है, ठीक है, 1, 2 एपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका वैसे कॉमन नेम एक और भी होता है, 2-methyl oxyrene, क्या नाम होता है इस ऑक्सीरेन, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो ऑक्सीरेन पे मिथाइल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरे में दूसरे कार्बन पे जुड़ा है कि नहीं, तो इसका ये भी नाम हो सकता है 2-methyl oxyrene, क्या नाम लिख सकते हो बताओ भाई, 2-methyl oxyrene, कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे तुम लोगों के लिए, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो सर, ठीक है ओके, बैक करो, सवाल पहले सॉल्व करो, चलो सवाल सॉल्व करो, कम ऑन क्विक, इसका नाम बताओ पहले स्मृति, चलो जल्दी से इसका नाम बताओ, फॉरन बताओ, 2, 2, 3, हाँ 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 बताओ बताओ बताओ, सुनो तो 2, 3 मेथड प्रोब्यूट एपॉक्सी ब्यूटेन, 2, 3 एपॉक्सी ब्यूटेन, हाँ यही है ना कॉमन नेम सर, इसे 4,1-dimethyloxyrene लिखे, 2,3-dimethyloxyrene, सही बोल रही है तुम, 4,1 बोल रही सर, सुन लिया करो, क्या समझ आ गया मेरे को मैं कहाँ गलत थी, तू बहुत बोलता है, कम बोला कर, क्यों बोले मेरा मुंह में बोलेगा तेरे के जा रहा है, देखो 2, 3 पे है ना ऑक्सीरेन, तो तूने कह दिया और बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इंट्रोडक्शन हमारे ईथर का समाप्त हुआ है ना, और ये मीटिंग भी अब बंद हो जाएगा, तो ये रुको सर, शुरू से ले लो सर, शुरू से, हाँ मैं अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि ईथर खत्म हो गया, फेनॉल खत्म हुआ, सब कुछ, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने समाप्त कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन, ओके, आई होप यू विल सपोर्ट मी, ओके, फर्स्ट पेज से करना सर।